के बारे जो पीने
बात है ओ दो बंदगी तेरे वस की। ऐसे जब कहा तो ओ दो हो गए सुधो सुन गोपियन के बोल और बोले हाँ बड़ो कपटी है बड़ो छलिया है जाके बैठ गयो आवे को। कई महीने उद्धव जी वृंदावन में रहे तो मुझे ऐसी सजा दो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बनाओ दो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बनाओ आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम। आशीर्वाद मिला पार्वती मैया को रुक्मणी को और दरवाजे पे जाकर के खड़ी हो गई और हाथ देख रही है श्याम सुंदर कब आएंगे किधर आएंगे।
सैनिक रक्षा में खड़े थे भगवान, घोड़ों पे सवार होकर के और तेजी से दौड़ते चले आ रहे हैं। रुक्मणी जी दूल्हा और दोनों बड़े मंडप में खड़े हैं, बरमाला हाथ में है, माता रुक्मणी भगवान को बरमाला पहना दी, जोर से ताली बजाओ और कन्हैया ने बजाई जोर से ताली। और उसके बाद में कहते हैं गठजोड़ा कर दो, गठजोड़ा हो गया और फेरे होने लगे, सारी अयोध्या में आनंद छा गया। बोलो हां अरे आवे माता को बिया को गीत गानो किना किना आवे बिया को गीत, और बड़े प्रेम से गा रही है, क्या गा रही है, गईयो बिया को गीत कैसे गावे। Thank you.
शादी हो गई। बोलो हाँ ना भाई, हो गई के अब। और कहते हैं बड़े प्रेम से ठाकुर जी की शादी हुई, जिनका नाम प्रद्योमन था। 10 दिन के प्रद्योमन को समरासु नाम के लेती, कभी कोई लालच नहीं करती, लेकिन बालक नहीं दी है, अच्छे से खाने पीने पहनने मांगती ही। ब्राह्मणी ने कहा कि स्वामी कब तक ये चलता रहेगा कि देवी जब तक प्रभु की इच्छा। कि हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है, कि हाँ है। अरे इतने बड़े राजा तुम्हारे मित्र हैं और तुम कभी मिलने नहीं गए। अच्छा तो मुझे मांगने भेज रही है कि नहीं, आपको मिलने चले जाओ। क्या ले जाऊं कि मैं ला के देती हूं। ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, चावल की पोटरी ले आए वो। कुछ गाड़ी का जाए पतिलो तारे, कुछ गाड़ी का जाए पतिलो तारे दे। चलते शाम हो गई, एक बड़ी नदी आ गई, उसी किनारे पर बैठ गए। सोच रहे हैं इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करूं। भगवान ने देखा अब इसे केवट कहां मिलेगा, नहीं जाऊं, भक्तों का काम तो मुझे करना पड़ता है। भगवान स्वयं केवट बन के नाव लेके आए और बोले भैया कोई यात्री हो तो आ जाओ, उसे हम पार कर देंगे। सुदामा जी कहते हैं पार तो हम होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में नगद, बोलो नगद, तो उधार कर लो, कोई बात को नहीं दे दो, नगद नारायण नहीं है। भगवान बोले फ्री 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 सेवा। और सुदामा जी के बहुत बढ़िया, जाके जा बैठी नाव में। नाव चलते चलते इस पार से उस पार चले गए। सुदामा नाव से उतर के नदी किनारे बैठ गए जंगल में। केवटिया भगवान नाव लेकर के अंतर ध्यान हो गए। सुदामा ने विचार किया रात होने वाली है, ये दो बूढ़े बड़े परेशान कर दरबार में विश्वास ले किया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच करके विश्वास ले के आओ। मेरे घर पालो अनैया से कहो, किरण पे सुदामा नहीं पाया, किरण पे सुदामा नहीं पाया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया, तुम्हारे महल के गरीब आ गया। दोनों हाथों से अरे तारी से भिगो दिए, Oh,
नैया तो नामे सुदामा नसल पे पकड़ी यो नसल पे जाना जाओ बता दो कन्हैया को नाम सुदामा नसल पे पकड़ी नसल पे जामा बता दो कन्हैया को नामे सुदामा है बता दो कन्हैया को नामे सुदामा बार मोहने से जा करके कह दो बोलो एक बार मोहने से जा करके कह दो मिल गई सता नसीबा कहा है नसीबा कहा बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरणे आंसुओं से शाम के धुलाई आए चरणे आंसुओं से शाम के धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए ना घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा ना घबराओ प्यारे जगा तुम सुदामा खुशी का समाते सजी पाया समाते सजी पाया अरे द्वार पालो सजी करो अरे द्वार पालो सजी करो पाल को समझाया दौड़ा दौड़ा द्वार पर महलों में आया एक ये अरहात जोड़े प्रभु को कहा कि प्रभु शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को नवसो हे ग्रामा हे प्रभु ना जाने कौन से गांव से एक ब्राह्मण आया है भूखा है प्यासा है थर थर कांपता है गरीबी का सताया है तन पर कपड़ा नहीं सिर पे पगड़ी नहीं एक धोती है तो वो भी कई जगह से फटी हुई है आपका नाम जप रहा है वो आपसे मिलना की जिद करता है आपको अपना मित्र बताता है और हे कन्हैया श्याम सुंदर द्वारकाधीश जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुदामा बताया है सुदामा नाम सुनते भगवान खड़े हो गए आंखों में आंसू आ गए मेरे बचपन का मित्र मेरा सुदामा आ गया भगवान तेजी से दौड़े भागे चले आ रहे हैं और दौड़े दौड़े आए आपके द्वार पे सुदामा को गले लगा लिया जोर से ताली नितंबर कहीं गिर गया खड़ाओ कहीं पड़ गई सारा अस्त दस्त हो गया
रानियां देख रही हैं, दासियां देख रही हैं, नगर पूरा देख रहा है, ऐसा कौन आ गया जो द्वार का भी स्वयं भाग करके एक गरीब ब्राह्मण को गले लगाया, भगवान के गले लगकर सुदामा को जो सुख मिला उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, सुदामा क्या तुमको मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहते, कन्हैया हर पल हर क्षण तुम्हें ही तो याद करता हूं, आओ सुदामा महलों में पधारो। भगवान सुदामा को लेकर के महलों में आए, सारा नगर देखता है, रानियां देखती हैं, भगवान भूल गए अपने आप को, अपने मित्र सुदामा का स्वागत कर रहे हैं, जिस आसन पे भगवान बैठते हैं वही बता दिया सुदामा को और कहा, रुक्मणी क्या देख रही हो? सोने का थाल ले आओ, लोटा भर के पानी लाओ, जल्दी से सुदामा के चरण धोऊंगा। भगवान सुदामा के चरणों को धोने जब बैठे तो देखा चरणों में कांटे लगे हैं, बीमारियां पड़ी हैं, खून बह रहा है। अपने सुदामा की ये दशा देखी तो भगवान की आंखें भर आई, इतने रोए भगवान, इतने रोए, आंखों के आंसुओं से ही चरणों को धो दिया, चरणों में चारों तरफ छिड़क दिया। सुदामा का भगवान स्वागत कर रहे, माला पहना रहे, तिलक लगा रहे हैं, जोर से ताली बजा दो स्वागत में। और भगवान सुदामा के पास बड़े प्रेम से बैठते हैं, भोजन भी करा दो, पूरे दे दो बच्चे। और भगवान ने सुदामा के कांधे पे हाथ रख लिए, बोलो हाँ ना मैं, तनी जोर से बोलियो, भाई लोग थे भी बोलियो, भाई लोग बोलियो, घी सौरों को नहीं हो, माता थे ही बोलो, थे ही बोलो, देखो अठे बीतते बोला, घर में बीतते बोला, हनुमान जी महाराज की। और भगवान ने कहा, सुदामा मेरे मित्र, बड़े दिनों में आए हो, बचपन में मिले थे, गुरुकुल में रहा करते थे, और अपने लोग बड़े प्रेम से रहे, अब तो बड़े हो गए, ब्याह हो गए होगे, इधर बता हो गया। अच्छा तो भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है, कुछ लाए हो गए? अब सुदामा संकोच में पड़ गए, क्या दूं, चावल की पोटी कांधे भी बदल में दिवाली। और कहा, भैया कन्हैया गरीब आदमी, मैं क्या ला सकता हूँ, भिक्षा मांग के पेट भरता हूँ बच्चों का, इसलिए मैं क्या दे सकता हूँ, भगवान देके लाया तो है, छिपा रहा है, देना नहीं चाहता है, बगल में कुछ है इसके, भगवान देखे ऐसे नहीं देखो। सुदामा बातें करते 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 जो झपट्टो मारो बगल में, अब चावल की पोटली खींच ली, गला सड़ा कपड़ा था फट गया, चावल गिरने लगे, भगवान ने एक मुट्ठी बड़ी मुंह में डाली, और जई चावल की एक मुट्ठी मुंह में डाली, आहा हा, भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया, आनंद के मारे भगवान तनमन की सुध भूल रहे है, और कह रहे, सुदामा 56 प्रकार के राज भोग मेरे यहाँ बनते हैं रोज महलों में, लेकिन जो स्वाद चावलों में आया है ऐसा कभी आया ही नहीं, जाओ सुदामा त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम, भगवान से नहीं रहा गया, एक मुट्ठी और भरी खाना चाहते थे, दौड़ी दौड़ी रुक्मणी आई, हाथ पकड़ो, क्या करो जी, क्या करो, अरे एक मुट्ठी में त्रिलोकी का इराज दे दिया सुदामा को, क्या अब वैकुंठ दे दोगे क्या, एक तुम्हारा सुदामा ही भगत तो है, और भी तो घने भगत हैं, लाओ मुझे। रुक्मणी ने छीन लिया, आपस में रानियों ने बांट लिया, प्रसाद बना के खाया, सबने भगवान सुदामा से मिले हैं, रात को उनके बातें हो रही हैं, प्रात काल सुदामा जागे, नागो के संध्या वंदना पाठ पूजा करके कन्हैया के पास आए, बोले भैया कन्हैया हमने जा रहा, भगवान बोले अभी जा रहे और रुक जाओ, के ना बिचारी बिचारी घर में परेशान हो रही होगी, है कि घर है सारी पोल खोल देते हुए है कि नहीं है, है? परेशान हो रही होगी, मुझे जाना होगा, जा रहे हो तो हमारे परिवार को आशीर्वाद देके जाना, हाँ ठीक है, दे दे, बुलाओ तुम परिवार में।
भगवान ने अपने परिवार में अनाउंस करायो, क्योंकि एक तो थोड़ी है, 161,080 तो भगवान के बेटे ही बेटे हैं। ताऊ चाचा रानिया परिवार तो बहुत बड़ा है। भगवान के परिवार की लाइन लगी ऐसे जैसे रतनगढ़ बोलो हाँ नहीं। आई रुक्मणी प्रणाम कर सुदामा को, सुदामा जी आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भवा। आई काविंदनी, सुदामा जी आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव। आई मित्रविंदा, आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव। कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से, दोनों से दो आशीर्वाद तो देती थी, एक ही हाथ से बारी बारी से। अब सुदामा बैठे बैठे थक गए तो खड़े होके आशीर्वाद दे रहे, फिर बैठ के, फिर खड़े होके, 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 फिर बैठ के। सुदामा जी के तो हमारा सांस जल गई, अब तो सौभाग्यवती भव तो भव भव। और सुदामा बोले कन्हैया तो बता दे कितनी और है। भगवान बोले अभी तो कौन ही कौन, अभी तो बहुत खड़ी है भैया। मैं तेरे परिवार को आशीर्वाद देता रहा तो घर पहुंचना मुश्किल है, मैं तेरे को दे देता हूँ तो सबको बांट दी, मैं तो जाऊं। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया, भगवान से आज्ञा लेके सुदामा द्वारका से अपने गांव चले। भगवान ने कहा देखा रुक्मणी मेरा सुदामा आया, कुछ नहीं मांगा, गरीब था, चाहता तो कुछ मांग सकता था, लेकिन रुक्मणी एक बात बता दूं, जो मुझसे कुछ नहीं चाहता है मैं उसे सब कुछ देता हूं। विश्वकर्मा जाओ सुदामा की कुटिया की जगह महल खड़ा कर दो। विश्वकर्मा आए, ब्राह्मणी ने कहा ठहर जाओ, मैंने इन गांव वालों का भिक्षा मांगकर इन घर से मैंने पेट पाला है, कि सबका घर बनाओ, पूरी सुदामा पूरी बसादी कुटिया की जगह भगवान ने महल खड़े कर दिए। आए सुदामा लौट करके देखा तो कुटिया तो है नहीं, महल खड़ा, अंदर से ब्राह्मणी 16 श्रृंगार करके आई, पूजा को थाल देती। कहा देखा रे ब्राह्मणी थारो ये श्रृंगार ये सब धन कहाँ से आ गयो, ये अपनी कुटिया कौन गई, किसने कब्जा कर लियो थे। कब्जा नहीं कर लिया, अपना ही महल है, आ जाओ। किसने दिया, कन्हैया ने, तूने महल ले लिया कि हाँ। अरे ब्राह्मणी सुनो मारी बात, महलों में अगर भजन होता तो राजा महाराजा महल छोड़ के जंगलों में नहीं जाते, भजन तो कुटिया में अच्छा होता है। सुदामा को महल को देखकर के सुविधाएं देखकर बड़ी गलानी हुई, तो भगवान उस महल के अंदर चार भुजा से प्रकट हो गए। बोलो वाकई बिहारी लाल की। और भगवान ने कहा सुदामा तुम इसी महल में रहकर मेरा भजन करो, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम मेरी माया में नहीं फंसोगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया और सुदामा उसी महल में रहकर के भजन करते रहे और अंत में परमात्मा के चरणों में लीन हुए, उनका कल्याण हुआ। ऐसी सुदामा जी की सुंदर कथा है। इसके बाद में कथा तो बहुत बड़ी है, समय थोड़ा है, केवल 10 मिनट में पूरी कथा करूंगा, लेकिन इससे पहले गौ माता की एक लिस्ट है और कुछ मेहमान हमारे बड़े गौ भक्त आए हैं, इनका Oh,
जय जगदीश।